क्या हाल चाल है। देखिए आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लाया हूँ, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन होता है। इसमें मैं जितने फॉर्मूले बोर्ड पे लिखवाया हूँ आप लोग को, उससे पूरे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सॉल्व करूंगा और एग्जांपल समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो ये एक वीडियो में जितना भी फॉर्मूला लिखा आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी जैसे तैयारी कोई कर रहे हैं, जैसे लाइक आपका IIT हुआ, BSE हुआ, AKT हुआ और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसको पढ़ के आप दे सकते हैं, आसानी से इसका रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई नया चैप्टर आपको चाहिए ऐसे ही वन वीडियो शॉर्ट्स, तो आपको मतलब कमेंट लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा, ठीक है। मतलब वीडियो बना के भेज दूंगा आपको और एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूला आप लिख लेंगे कॉपी पे और उस पर मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। देखिये सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है ये है कि लिखा है, तो आप लोग बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x^(n+1)/(n+1)+c। सी कांस्टेंट है, देखिए देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका होता है फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसमें जितने जो पावर होता है उसके ऊपर हम एक ऐड कर देते हैं, नीचे उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। अब इसमें देखिए कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन लू इसी पे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आपका यू है, ये ऐसे हम ले रहे हैं, कोई 6 या ले रहे हैं, यहाँ पे डिजिट्स रहेगा ही, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें बढ़ा दीजिए, देखिए एक बढ़ा हुआ है, एक इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि 6+1/6+1+c, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए स्टूडेंट, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए इसमें क्या है आपका, तो मैं चैप्टर लाया हूँ इंटीग्रेशन का, जिसको हम समाकलन होते हैं, तो इसमें जितने भी मुझे इतने लिखने में जो भी फॉर्मूला आया है उस पर मैं जितना लिखवाया हूँ सब पे एक एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। और ये आपका यूज जो है आपका, जैसे तैयारी कर रहे हैं कोई इंजीनियरिंग लाइन, IIT हुआ, PhD हुआ, AMU हुआ, जामिया इस्लामिया हुआ और बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं शॉर्ट ट्रिप में, और आप इंटरव्यू में थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे, फॉर्मूला सब में यूज, जैसे आपका इंटरमीडिएट हो या कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। और मैं जितने फॉर्मूला लिखवाया हूँ सब पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मतलब एग्जाम्पल आपका, जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं मुझको, और मैं आपको फिर वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, इसमें देखिए आगे कि पहला हमारा फॉर्मूला जो है फंडामेंटल, देखिए सब जितने उधर लिखे सब फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल का मतलब ये कि ये इनके बिना आप कोई चीज सॉल्व नहीं कर सकते, यही सब यूज होगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो देखिए पहला फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ पे पहला फॉर्मूला है x^n है dx, ये जो फॉर्मूला जो है x^(n+1)/(n+1)+c। अब देखिए ये जो है ये पावर है इसके, इसको हम भाग करते हैं, इसमें जो भी रहेगा एक नंबर हम उस पर बढ़ा देंगे, अब फिर डिवाइड में भी वही लिख देंगे, और उसके बाद सी लिखेंगे, सी एक कॉन्स्टेंट है। अब देखिए इस पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम, यहाँ पे इससे कोई नंबर ले लीजिए, हम ले रहे मान लीजिए 12 ले रहे हैं, यहाँ dx है, इसमें क्या करेंगे एक नंबर हम लोग और ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पे बार बार नहीं एक बार दिखा दे रहे आपको, ठीक है, प्लस का सी, ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा x^(13)/13)+c, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल देखिएगा दूसरे वाले का, इसको हम रफ इसको ले लीजिए रफ करें, अब अगला देखिएगा इसमें, देखिए दूसरा जो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा ये होगा कि ax+b^(n dx), इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी आपको वही करना है, बस एक चीज अलग से देखना है, x के पास जो भी रहते हैं नंबर या कांस्टेंट उसको हम नीचे लिखते, देखिए पहले कैसे जैसे लिखा ऐसे लिख देंगे, उसके बाद इसकी पावर में बढ़ा देंगे, n+1 हो जाएगा और अपॉन में देखिए जो n+ लिखते थे आप लिखेंगे, और उसके बाद ये भी जो है इसमें आ जाएगा नीचे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तो लिखना ही आपको है, यहाँ पे ये बटा नहीं है, देखिए क्वेश्चन इसका मान लीजिए 3x+9 है, हमको लिखना है यहाँ पे मान लीजिए 7 है, यहाँ dx है, अब क्या करें जैसे लिखा है इसको लिख देंगे 3x+9, और एक पावर बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा, चाहे आपको दिखा दे 7+1, आइए नीचे क्या था एक जगह कितना आपका, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे यहाँ पे देखिए 9+1 या 7+1 यहाँ से लिख देंगे, अब देखिए 3x+9
टू दी पावर 8 आई हो जाएगा 3 × 8 प्लस का सी, ये हो जाएगा 3x + 9, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 24 प्लस का सी। यहाँ देखिए ये सब ऐसे लगा सकते हैं अपना आसानी से इसको, और ये इसमें जो भी देखिए जितने भी है मैं सबका लगाऊंगा आसान तरीके से, इसको समझिएगा ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम सोचे थे कि एक ही बार सब लगवा दें लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, सबको दिक्कत हो जाएगा ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका है, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसमें कोई कुछ बन नहीं सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पहले लिखवा दें, लॉग एक्स यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब मॉड लगते हैं तो प्लस आएगा। अब जिसका कोई तो मान लीजिए फंडामेंटल फॉर्मूला है, अब इसका क्वेश्चन ही बनेगा ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही है। मान लीजिए एक हो सकता है ऐसे लिखा रहे कि यहाँ लिखा है 3x, यहाँ पे हमको सॉल्व करना है इसको, देखिए क्या करेंगे 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे ठीक है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है आप ये लगा सकते हैं कितना है, 1/3 तो पहले से ही है, और यहाँ पे मॉड में एक्स प्लस सी लिख सकते हैं ठीक है। तो ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगला जो है फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ax + b है, 1/x + b, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, फॉर्मूला ये है 1/ax + b, यहाँ पे dx है। अब देखिए क्या करना है, ये जैसे पिछला फॉर्मूला था उसी का एप्लीकेशन ही है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे लिखा है ऐसे लिख देंगे, log ax + b ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। लेकिन इसमें ये जो x के पास रहता है नंबर, तो इंटीग्रेशन को डिवाइड में चला जाता है ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा कि 1/3x, यहाँ प्लस भी होता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 11। देखिए वो क्या करना है, यहाँ एक जगह आपको दिख रहा होगा ये, तो 1/3 कर लीजिए, फिर लॉग लिख के सब ऐसे ही इसको मॉड कर लेंगे आप, तो हो जाएगा 3x + 11, ये आपका फाइनल आंसर है ठीक है। तो चौथा एग्जाम्पल क्या है आपका, e^x का, ये भी मिटा दें इसको भी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, देखिए ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं बन सकता है, ऐसे ही लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला ही आपका है ठीक है। अब इसका एक देखिए एग्जांपल ये बन सकता है, ये वाला है, ये भी फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं कैसे होता है। देखिए जब कोई मान लीजिए फंडामेंटल फॉर्मूला बना, उसके पास कोई कॉन्स्टेंट हो गया, कोई अचर संख्या हो गया, तो उसको हम ऐसा डिवाइड में लाते, देखिए ax यहाँ बटन में ए हो गया सही है, इसको सी। तो देखिए डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में हमारा क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन इंटीग्रेशन उसी का जस्ट अपोजिट होता है, वो ये डिवाइड करता है उसको ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसपे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए इसपे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 2x यहाँ पे लिखा है, 2x यहाँ पे dx, तो देखिए ये नीचे चला जाएगा ठीक है, यहाँ नीचे 2 कर लीजिए, उसके बाद जो लिखा जैसे लिखा देखिए यहाँ पे वैसे लिख दीजिए इसको भी, e^2x, आप सी तो लगाना ही आपको ठीक है, समझते रहेगा। अगला क्या है आपका, अगला फॉर्मूला एक और है, वो भी लगा सकते हैं, वो भी देखिए सेम ऐसे ही लगा दें हम आपको, इसे तो जरूरत नहीं है फिर भी लगा दें, यहाँ पे ऐसे dx है, इसका फॉर्मूला देखिए ऊपर वाला तो ऐसे ही कैसे ही रहेगा, बस ये डिवाइड में जो एक x के पास है वही चला जाएगा, ए प्लस का सी। इस पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान ली 3x + 7 हो गया, यहाँ dx है, ब्रैकेट में कर लीजिए, देखिए हमने कहा था x के पास नीचे चला जाएगा 3, और उसको फिर जैसे ऐसे लिख दीजिए ठीक, ये देखिए बस आंसर हो गया। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ के पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान ट्रिक है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। नहीं देखिए फॉर्मूला याद कैसे होगा, देखिए जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई फॉर्मूला या कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो आपको याद करा दे। सबसे बेहतर तरीका आपका होता है कि आप क्वेश्चन को लगाएं, बार बार लगाएं और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस रखेंगे तो फॉर्मूला इतनी बार आपके दिमाग में आ जाता है कि आपका माइंड जो होता है कैचिंग पावर बहुत अच्छा रहता है ठीक है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कैचिंग पावर बहुत स्लो रहेगा ठीक है। तो पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ये नहीं किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़े, किसी दिन थोड़ा पढ़े, किसी दिन एकदम नहीं पढ़े, तो ये ऐसी आपके जो मतलब क्षमता होगी याद रखने की नहीं रहेगी। और डेली लगाएंगे आप तो बहुत अच्छा याद रहेगा। देखिए कोई टीचर हो या कोई भी हो,
वो टीचर को इसलिए आता है क्योंकि टीचर उसको बहुत ज्यादा पढ़ा, देखिए बार बार टीचर वही चीज पढ़ाता है, बार बार रिपीट करता रहता है, इसलिए उसको याद रहता है। नहीं तो ऐसा नहीं उसका माइंड बहुत बड़ा होता है या अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप ही लोग में से कोई टीचर बनेगा, देखिएगा धीरे धीरे खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ए टू द पावर एक्स है, ठीक है। देखिए इसका तो कुछ फॉर्मूला थोड़ा अलग रहता है, ए टू पावर एक्स का इसका देखिए फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिख लीजिए जैसे और फिर अपॉन में ई ए डैश ई रहता है इसका, यहाँ सी लगा रहे। देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, टू को पावर एक्स है ये लिखा है यहाँ पे, तो टू को पावर ऐसे लिख दीजिए जैसे है अपॉन में फिर लॉग ए की जगह क्या आपको लिखना है, ए की जगह टू है, टू लिख देंगे और यहाँ बेस में ई लिखना है, यहाँ पे सी रखना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे अच्छे से क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेगा ढंग से। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन का, ये सब देखिए फंडामेंटल फार्मूला, ये फार्मूला आपका, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और देखिएगा इसको अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए हम लिखवा दे रहे हैं क्योंकि इससे तो मतलब नहीं जा रहा है कि बस फार्मूला आपको याद रखना है, इसका होता है कॉस एक्स प्लस ई। अब देखिए इससे हो सकता है एक और फार्मूला ऐसे बन जाए कि साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, ये हो सकता है। देखिए हमने कहा था जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो मल्टीप्लाइंग चलाता है लेकिन इंटीग्रेशन होता है, दो चीज डिवाइड भी लिखा था, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका होता है कॉस माइनस का ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक जो एक्स के पास रहता है वही नीचे जाता है सी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल दे रहे आपको, क्वेश्चन ये कैसे आएगा, अब देखिए नंबर कोई भी चॉइस कर लीजिए, हम प्रॉब्लम से चॉइस कर ले रहे हैं, यहाँ आप क्या करेंगे, आप लोग माइनस लगा लेंगे, यहाँ कॉस लिखेंगे, इससे लिखा यहाँ पे वैसे यहाँ भी लिखा है, ऐसे यहाँ भी रहेगा थ्री एक्स प्लस का एट अपॉन कितना हो जाएगा नीचे, इसके पास कौन सा नंबर थ्री थ्री रहेगा, अस्सी तो रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं आसानी से। अगला क्या है, कॉस का है, ठीक है। तो कॉस एक फंडामेंटल ये भी फॉर्मूला आपको लिखवा दे, इसके एग्जाम्पल में लिखवा दे रहे हैं, देखिएगा एक्स प्लस बी है डी एक्स है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता रहता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस का सी। अब देखिए इसमें सॉरी पहले इसका फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगी, फंडामेंटल होगा तो कॉस होता है वो होता है सिर्फ साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो अगर अलग से दिए होंगे फंक्शन तो इसको मैं सी लिख देंगे, फिर बटे में कर लेंगे। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे फोर एक्स प्लस का फाइव लेना है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे साइन जैसे यहाँ भी लिखा वैसे यहाँ भी लिखा है फाइव सॉरी फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन में इसके पास कौन सा नंबर फोर है प्लस का सी। तो देखिए कॉन्स्टेंट और जितने भी है आपको ही उसी को बस नीचे करना है और किसी को नहीं करना, ठीक है। और भी देखिए मेरे पास ट्रिक बहुत सारे हैं तो मैं जितने भी आपको लिखवाया हूँ फॉर्मूला उसी पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, इसके अलावा एक वीडियो और लाऊंगा इसमें आधा रखा हूँ वो वाले फॉर्मूले, तो आपका पूरे इंटीग्रेशन का यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा क्वेश्चन आपका जितने भी एंट्रेंस में आते हैं लगभग सब तैयार हो जाएगा, किसी भी एंट्रेंस में आपका होगा सबका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास सेक स्क्वायर का, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिखिए, सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका होता है टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल फॉर्मूला, अब जो है इस पे क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला इस पे यूज करना हमारे पास, ठीक है। तो यूज करेंगे तो पता चलेगा आपको, देखिए इस पे क्वेश्चन हो सकता है ये वाला हो जाए, इस पे तो बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। बार बार आपको बता रहे हैं कि जब भी जाएगा तो ये एक्स पास ही वाला नंबर लिखा जाएगा, इसको देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेन जैसे लिखा यहाँ पे वैसे यहाँ भी लिखा आपने तो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, अब देखिए अपॉन में लिखेंगे तो ये नंबर था लिखेंगे सबको नहीं यहाँ पे ये कर लीजिए बस बस ये हो गया, ठीक है। तो अलग से कोई नहीं आपको नंबर रखना है, बस जो भी उसके पास रख दीजिए। अब देखिए मैं इसको क्वेश्चन भी ले रहा हूँ उस पर आपको समझ आने के लिए, तो यहाँ पे हो गया सेवन एक्स प्लस सिक्स है, तो देखिए यहाँ एक जगह कितना है सात है, तो यहाँ देखिए सात कर लेंगे और फिर यहाँ पे टेन कर लेंगे और फिर ए एक्स प्लस बी
देखिए इतने आसान तरीके आपको मात्र 5 सेकंड लगेगा आपको एक क्वेश्चन समझने में। अगर आप बेहतर पढ़ोगे इंटरमीडिएट में तो बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए कोसेक स्क्वायर है, देखिए सेक है, ये कोसेक, ठीक है कोसेक हो गया। तो कोसेक का भी फंडामेंटल फॉर्मूला हम लिखते रहे यहां पर, इसका होता है माइनस कॉट एक्स। देखिए सही लिखा है ना, हाँ सही तो लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग से बता रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे। अब देखिए जो इसमें फॉर्मूला लिखा सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे जो ये रहता है बदलाव आता है, यहाँ फंक्शन दूसरे फंक्शन है, ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन है, तो उस फंक्शन में आप जैसे बदलाव किए तो यहाँ भी बदलाव आएगा ए एक्स प्लस बी। हमने कहा कि जो अलग से कोई नंबर आप लिखेंगे तो उसको एक्स के पास तो नीचे चला जाएगा, ये रहेगा। ठीक है, अब इस पे मैं एग्जांपल एक ले रहा हूं, क्या है कॉस स्क्वायर 3x प्लस 9। अब यहाँ क्या रहेगा, देखिए x के पास कौन सा नंबर, ये था यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे, अब फिर यहाँ पर माइनस है माइनस लिख लेंगे, कॉट 9 और 3x प्लस 9, ये आपका इतना आसान तरीके से लग गया। ठीक है, तो इसको अच्छे समझिएगा। अब देखिए पहली लाइन आपकी पूरी लग चुकी है, ठीक है इसमें से पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आपका है। ठीक है ना, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूं इसको दूसरी लाइन को, तो दोस्तों देखिएगा अगर वीडियो लाइक मतलब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय देखिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया हम लोग के लिए भी, क्योंकि मेरा जो कोचिंग है रोड पे है, तो अब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे आके घर से 2-3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर, तो बहुत मेहनत लगते हैं इस पे। देखिए अब जो होगा ये है sec x tan x dx, देखिए फंडामेंटल फॉर्मूला इसका होता है sec x plus c। ठीक, अब देखिए इसमें हम बदलाव अगर कर थोड़ा बहुत, देखिए बनने के लिए तो बहुत कुछ बन सकता है, अगर मान ली सिर्फ ऐसे रहे सॉरी sec ax tan ax dx। अब देखिए हमको देखिए नहीं, देखिए कि यहां पर भी तो सर यहां पर भी ax है और यहां देखिए यहां पर x था तो यहां भी x है ना, तो यहां भी ax रखे तो यहां भी x रखना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला बन पाएगा आपका। तो हमको सिर्फ एक ही a को देखना है, हमको बस x के पास जो नंबर देखेंगे उसी को नीचे कर लेंगे, और यहाँ पे sec x है, यहाँ पे दोनों जगह था, यहाँ पे एक बार x है तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे ए एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन ये आएगा आपका कि यहाँ sec 2x है, tan 2x है, सेम नंबर होना चाहिए दोनों का, तभी फॉर्मूला मैच करेगा। ठीक है, यहाँ पे dx लिख लीजिएगा, यहाँ पे dx हो गया, क्या बनेगा 1/2 sec 2x। ठीक है, ये पूरा बन गया आपका फॉर्मूला, क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, अब एक और बन सकता है एक तरीके से कि मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी, दोनों जगह सेम होना चाहिए नहीं तो नहीं लगेगा। आप देखिए क्या लिखेंगे, 1/ जो x के पास होता है नंबर नीचे लिखेंगे हम लोग, यहां क्या लिखेंगे sec x प्लस का b, ये आपका फाइनल आंसर। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल क्या बनेगा, आपको कुछ भी नंबर ले लीजिए sec 3x प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा tan 3x प्लस 7 dx बराबर क्या बनेगा 1/3। अब यहाँ थोड़ा जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देखिए यहाँ पे ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको लिखिए जल्दी से, जैसे देखिए लिखा आपने ये वाला, उसी प्रकार ये भी सेम चीज है, तो इसमें टाइम क्या वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप सेम ऐसे कर सकते हो उसको, जैसे ये था ऐसे, बस यहाँ पे sec x है तो यहाँ cosec x हो जाएगा, सब कुछ है। अब इसका मैं लगाऊंगा तो इसका अपने आप कर लेंगे आप, ठीक है, तो ये मॉड में रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan x dx का, देखिए इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैं एक ही लगवाया हूँ, मतलब और पढ़ना आपको तो बताइएगा, इसमें एक ही लगवाया, तो देखिए क्या लिखा है log sec x प्लस का सी। अब ये फंडामेंटल फॉर्मूला, ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए बनेगा, तो अगर मान लीजिए बदलाव कर दे, अगर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, यहाँ पे ए एक्स कर ले रहे हैं तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1/a कर लेंगे, यहाँ पे log सॉरी sec x
ठीक है, सब कुछ ऐसे रहेगा। अब देखिए एक और तरीका हो सकता है कि मैं इसे कर लू ए एक्स प्लस बी, देखिए तरीका वही है। और इसको हम रियलिटी में जाना है कैसे, मतलब एकदम कैसे फॉर्मूला बना, किस तरीके से हुआ ये, तो मैं वो भी बता दूंगा, इसमें टेंशन की बात नहीं है, बस आप पढ़िए ठीक है ना। वो डबल फॉर्मूला लगेगा, ये डबल मतलब डबल फंक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, आपका आसान से लग जाएगा ठीक है। तो देखिए ये हो चुका, अब इस पर एग्जाम्पल आप लेना चाह रहे तो आप तो इतनी समझदारी पास हो ही गई है कि आप कर सकते हैं ठीक है। आप देखिए यहाँ पे खाली बस एक्स के पास जो है उसको नीचे करिए, सब कुछ ऐसे जैसे लिखा है लॉग sec x sec 5x प्लस का 4 मॉड लगा दीजिए ठीक है, 80 पर लगा दीजिए आपको पता है ठीक है ना। अब ये हो गया, देखिए हमारे पास ये देखिए यहां तक हो गया हमारे पास ठीक है। अब ये बाकी है तो जैसे ये रहेगा वैसे ये भी रहेगा ठीक है। देखिए अगला क्या बात है कि sec x काम को सॉल्व करना, ये देखिए फॉर्मूला प्रूफ करके आता है ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, अगर वो भी आपको चाहिए मान लीजिए आप तैयारी करके वीडियो तो उसका भी मैं लगवा दूंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल अभी आपका शॉर्ट ट्रिक यूज हो रहा है ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है sec x प्लस tan x ठीक है, ये मॉडल मिलेगा। अब इसका देखिए जैसे सब में फॉर्मूला बना रहे वैसे इसमें भी देखिए एक तरीका है कि आप क्या कर लें, यहाँ पे ए एक्स लगा दें तो यहाँ पे 1/ ए हो जाएगा और लॉग sec x प्लस tan x ए एक्स, ये एक्स है या नहीं है ठीक है। अब यहाँ पे सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे सी लग जाएगा। आप एक और फॉर्मूला बना सकते सी को, देखिए आपकी मर्जी हो उतना तो आप जानते ही हैं। देखिए ये तरीका आपके पास है, इसको आप चाहे तो बना सकते क्या 1/a log sec ax प्लस कर बी और फिर tan ax प्लस कर बी फिर मॉड लगा दीजिए, देखिए ये ब्रैकेट है यहाँ भी प्लस है ठीक है ना, ax प्लस बी है फिर मॉड लगा यहाँ ठीक है। तो ऐसे ही सब हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब एग्जांपल लेना चाह रहे तो एग्जांपल में लगवा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग को खराब ना लगे। यहाँ पे 2x प्लस 1 ले लेंगे dx है, यहाँ 1/2 हो जाएगा log sec 2x प्लस 1 और फिर tan 2x प्लस 1 यहाँ पे मॉड लगा के सी रहेगा ठीक है। ये आप देखिए इतने क्वेश्चन होंगे, ये अब देखिए कॉर्ड उसी का जस्ट है, बस इसमें देखिए क्या है, इसमें यहाँ माइनस होता है इसके फॉर्मूले में, सब कुछ ऐसे रहेगा ठीक है। अब ये देखिएगा ये फॉर्मूला तो आप जो होगा इनवर्स वाला फॉर्मूला गया ठीक है ना, अच्छे समझिएगा इसको। देखिए क्या है फॉर्मूला आपका है डी एक्स वन अपॉन 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखिए सारे इनवर्स का फॉर्मूला होता है ठीक है। अब यहां देखिए ये फंडामेंटल फॉर्मूला है ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चीज और कि अगर यहाँ पे कहीं के देखिए एक चीज और लिखेगा इसी को और करके कॉस इनवर्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखता है ठीक है, ये भी फॉर्मूला इसी का ही है। तो ये मैं अलग से लिखवाया हूँ लेकिन देखिए चाहे एक चीज और कर सकते हैं आप, या माइनस लगा के ऐसे लिख सकते हैं इसको सिर्फ यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, ये भी लिखने का तरीका होता है आपका, लिख सकते हैं ठीक है। इसको बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं पालिएगा ठीक है ना। ये हो गया आपका, अब इस पे ये फंडामेंटल फॉर्मूला था, सी तो आपको देखिए सब जगह लगाना है ठीक है ना, सब जगह सी लगा लीजिएगा जहां जहां लिखेंगे। तो ये तो हो गया, अब मेरे ये वाला फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये क्या होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और मैं लगवाऊंगा और भी क्वेश्चन जो इस तरीके से आते हैं। तो देखिए ये ऐसे भी लिख सकता है इसको, चाहे इसको इधर लिख दे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक है। आप देखिए दोनों का जो मॉडिफाई फॉर्मूला है दोनों को जो लगाए थे, मान लीजिए ऐसे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है। अब देखिए इसमें मैं लिखवाया जो होते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए 4 लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है, अब फोर इंजन फॉर्मूला लिखेगा नहीं आपको बनाना पड़ेगा, देखिए जैसे
उसको ओरिजिनल फॉर्मूला में ये 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे रूट है, देखिए फॉर्मूला बन गया। तो स्क्वायर लिखे ना ये, सिर्फ हमको क्या लिखना है साइन इनवर्स लिखना है, स्क्वायर में पार्ट नहीं लिखना है, खाली जो नीचे है ये सी लिखना है। तो कितना है एक्स अपॉन 2 प्लस का सी का सी, ठीक है। ये हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन हो गया, कहाँ गया यानी मेरे पास ये भी हो गया, अभी बाकी है तो अब देखते रहिए। एक और क्वेश्चन है जो 10 वाला वो रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1/a है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इस पर एग्जाम्पल कैसे बनेगा, कोई भी नंबर ले लीजिए इसका आधी नीचे और जरूरी स्क्वायर हो भी, अभी हमारे लिए मैं लिख दिया हूँ ये, ये किसी का फॉर्मूला नहीं बनेगा। आप सोचेंगे यार क्या है ये, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे देते हैं क्वेश्चन, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्या करिए स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। हम इसी को देखिए बना के दिखा रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन कर देंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रूट लगा के स्क्वायर किसी कर सकते हैं, किसी का स्क्वायर करना रूट का स्क्वायर करना वही चीज आ रहा था, तो वही आ गया। अब उसको हम लिख सकते हैं आसानी से कि वर्ड में लिखिए, अब यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे ए देखिए यहाँ पे ए लिखा है ना हमारे, यहाँ पे रूट में थ्री, रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर टेन इनवर्स एक्स लिखा है तो एक्स लिखेंगे और रूट में 3 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट नहीं लिखते हैं ये लिखते अंदर का, ठीक है ना, समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ शुरुआत हुआ, अब ये फंडामेंटल फॉर्मूला है कोसेक का, यानी सेक और कोसेक दोनों का, ये प्लस माइनस प्लस का फर्क है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स इसमें लिखा है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये होता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए एक चीज और, इसी को और करके माइनस कोसेक इनवर्स आप लिख सकते हैं प्लस का सी, या आप वहां नहीं लिखना चाहते यहाँ पहले से माइनस आपको करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखिए प्लस के लिए सेक लिखा था, तो यहाँ पे यहाँ कोसेक लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि माइनस आपने आगे लगा दिया है, ठीक है ना। ये हो गया, अब ये फंडामेंटल फॉर्मूला है तो इस पे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, अब इस पे बनेगा क्वेश्चन ये वाले पे, ये हम ये पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और ये हो चुका इस पे बारी है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब मेरे पास फॉर्मूला ये है कि dx है यहाँ पे x, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका पहले फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, क्या है 1/a है sec इनवर्स, देखिए आपको नंबर था वहां पे, जैसे देखिए एक समझा रही चीज आपको कि आप थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं उसका, तो देखिए ये भी फॉर्मूला वही होता, लेकिन बस 1 लिखा था, 1 का स्क्वायर करने कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या है ए ए लिखा है, यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पे, इससे एक्स एक्स रहेगा यहाँ 1 रखेंगे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए नहीं लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए नीचे नहीं लिखा हुआ है, सब यहाँ पे 1/1 रहेगा, यहाँ पे 1/1 रहेगा, यहाँ पे x/1 रहेगा, यहाँ पे x/1, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, मेन फॉर्मूला यही होता है ये वाला, ओके। आप देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इसका क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ मैं ऐसे, अब मान लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ 2, तो उसी का जज सॉरी यहाँ एक्स लेंगे आप, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 4 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, तो अब तो मुझे देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में दिखना चाहिए, तो फॉर्मूले में हम पहले उस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको ना, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा इसका, देखिए अब फॉर्मूला मैच कर गया, हमारा स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, अब देखिए ए यहाँ ए लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, ठीक है ना, वहां 1/2 लिख दिया हमने, ये ना सोचिए इसका मैंने पावर नहीं लिखा हूँ, ये लिखा हूँ ये और नीचे वाला, अब फिर लॉग सॉरी sec इनवर्स एक्स और ए की जगह कितना 2 हमारा था, 2 लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 2/2 लिखेंगे प्लस का सी। तो देखिए जैसे cosec का है वैसे एक माइनस लगा के cosec का sec का दोनों सेम होता है, इसलिए मैं नहीं लगवा रहा हूँ, एक ही लगवा रहा हूँ, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन ये है, देखिए एक लगवा रहा हूँ, ये वाला हो गया, मैं पहले पढ़ा दिया हूँ,
ये भी अब पहुंच चुका है। अब ये भी हो चुका है, ठीक है ना, ये दोनों हो चुके हैं, इसको हम पढ़ा नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो फॉर्मूले बढ़िया है, ये वाले अच्छे फॉर्मूले, इसको मैं लगवा दे रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी और जो इसके रिजल्ट थे मैंने लिखवाया नहीं, जगह नहीं था। देखिएगा इसका फॉर्मूला बड़ा ही मुझे बहुत ज्यादा, इसका फॉर्म क्या होता है, लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए यहाँ पे सी रहेगा। अब देखिए फॉर्मूला बड़ा घुमा फिरा के दिए थे क्वेश्चन, इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा या आपको इसको फॉर्मूला खुद बनाना पड़ता है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, हमको ये फॉर्मूला आप तक समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लगेगा, तो देखना एक फॉर्मूला ऐसा है कि मेरे पास एक स्क्वायर है और कोई कॉन्स्टेंट का स्क्वायर है या नेचर का स्क्वायर है, उस पर अप्लाई करना, तो स्क्वायर है खुद से स्क्वायर हम बना लेंगे रूट में लगा के, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर का कोई दिया जाएगा। और उसके बाद हमें लॉग यहाँ एक्स तो रहेगा ही, और रूट में देखिए रूट में कितना रहेगा, एक जगह कितना रूट में थ्री, तो रूट में थ्री और प्लस ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये उल्टा लिखा है तो उल्टा हो जाता है। अच्छा एक चीज और छोड़ गया मेरा, यहाँ पे वन बाई टू है तो यहाँ पे वन बाई एस हो जाएगा, ठीक है, एंड टू रूट थ्री लॉग एक्स, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये हो गया फॉर्मूला आपका। अब देखिए अगर उल्टा लिखा है तो यहाँ पे बस उल्टा हो जाएगा, देखिए इसको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे चीज अगर लिखना चाहें इसी को तो वो भी पहले इसको ओरिजिनल तरीका, इसको ओरिजिनल फॉर्म बनाना पड़ेगा, सी रहेगा ध्यान दीजिएगा, तो वन बाई टू रूट थ्री लॉग एक्स प्लस, सॉरी यहां पर देखिए एक ए लिखा पहले ना, यहां पहले रूट थ्री प्लस का एक्स रूट थ्री माइनस का एक्स प्लस का सी, ठीक है, ये भी लग चुका, तो हमने और अभी आपको लगवा दे रहे हैं, अभी इसको लिख लीजिए पहले नोट कर लीजिए। और दोस्त देखिए दोस्तों ये आप बढ़िया पढ़िएगा तो समझ में पूरा आएगा, और अगर स्पीड में तेज हो तो बताइएगा, धीरे हो तो भी बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा समय पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़ा कम पढ़ा रहा है, लग रहा है स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या लिखिए, लॉग मॉड में यहाँ पैसे लिखा है मॉड में, जैसे यहाँ लिखा है लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड कर यहाँ पे प्लस का सी लगा देंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखिए कैसे है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर दिया हुआ है, हमें ऐसे लगाना है उधर से, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ओरिजिनल फॉर्म बनाएंगे, देखिए हम लोग थोड़ा आसान करके लेते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी समझा सके, थोड़ा घुमा सकता है इसको, नंबर देखिए कुछ और भी दे सकता है, जिसका स्क्वायर ना बने तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक्स ही रहेगा, कोई अलग से नहीं रहेगा, मॉड लगा दीजिए प्लस का, देखिए जो लिखा जाता ना, ये जो लिखा था ओरिजिनल फॉर्म में लिखा, यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में ये थे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और मॉड लगाते प्लस का सी, ठीक, ये भी हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट लिखा है तो वो उसी वजह में उल्टा हो जाएगा, पहले फॉर्म में लिखवा दे रहे क्वेश्चन लगवा दे, कितना है एक चीज यहाँ पे हमें लग रहा है दोस्तों कि कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि दोनों सेम नहीं सकता है, मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बुक में से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा बस, और कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ दो जगह डीएक्स नहीं रहेगा, लॉग पहले ब्रैकेट आएगा फिर मॉड एक्स, और फिर जैसे लिखा हुआ है उसमें यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखवा देना, लिख दीजिए बस का सी। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, चलिए कोई भी नंबर है सेवन ले लेना है,
पे एक ही जगह मैं लिख रहा बार बार लिख रहा हूँ। तो इसको देखिए हम ओरिजिनल फॉर्म इसका बना रहे हैं। देखिए जाए डीएक्स यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए कोई बात नहीं, एक जगह लिखिए भाई। और इसको ओरिजिनल फॉर्म बना गया 7 का स्क्वायर कर दो उठने का लाभ बन गया। अब क्या रखते हैं लॉग नीचे लिख दें लॉग एक्स ब्रैकेट में जो रहेगा ये वाला रूट में कर भाई लिख दीजिए 7 ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो गया ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मतलब मैं फॉर्मूला लिखवाया सब पे लगवाया हूँ जो सेम है तो थोड़ा मैं उसको बता दिया आपको कर लीजिएगा। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए मैं इसका सोल्यूशन अगले या कुछ दिन बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।